हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू एजुकेटर। टुडे वी लर्न परसेंटेज। सो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हमने आपको पहले अपने वीडियो में कुछ बता दिया है, और साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है, और परसेंटेज पर मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स क्या होता है यानी प्रति मीन्स क्या होता है, और सत मीन्स क्या होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत में आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इंटू अ परसेंट और परसेंटेज। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इंटू अ परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 33/100। दूसरा क्वेश्चन है 3/4, और तीसरा क्वेश्चन है 7/5। इस क्वेश्चन को हमको परसेंटेज में बदलना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भिन्न है वो है 33/100, 3/4, 7/5। इसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो हम इंग्लिश में जब इसे रीड करेंगे तो इस तरह से, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज 33/100, 3/4, एंड नाउ थर्ड इज 7/5। और जब हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग 33/100, 3/4 और 7/5। इसको अब हमें प्रतिशत में बदलना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 33/100। 33/100 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड में परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, और इस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बन जा 100 डिवाइड हो जाएगा, और 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 33%। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3/4, 3/4 को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। सेम रूल है, 3/4 लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से, यानी कि 3/4 गुणे 100 करेंगे। इन इंग्लिश 3/4 × 100। अब 100 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 को 4 से भाग देकर इसे भाग देंगे, और भाग देने के बाद ये कटेगा तो 4 × 4, और ये 25/100 होता है। तो इसका मतलब कि 4 का टेबल हम लोग 25 टाइम पढ़ेंगे तो 100 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 100 को अगर हम लोग 4 से भाग देकर काटें तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 25 आएगा, और 25 को 3 में गुणा कर देंगे तो 75
25 तिहाई 75 और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा 75%। और इन इंग्लिश 3/4 मल्टीप्लाई 100, व्हेन वी डिवाइड 100/4 देन वी गेट आवर आंसर 25। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 25 इन 3 एंड वी गेट 75। सो दिस इज आवर आंसर 75%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/5 मल्टीप्लाई 100, व्हेन वी कन्वर्ट परसेंटेज देन वी पुट हियर परसेंटेज सिंबल। सो नाउ दिस 100 इज डिविजिबल बाय 5, नाउ वी डिवाइड बाय 5, 5 1 5 एंड 5 से जब हम व्हेन वी डिवाइड 100 टू 5 देन वी गेट 20, दैट मींस 5 2 10 एंड वी पुट 0 हियर। And for this 20 multiply 7, so 7 multiply 20 we get 7 2 14 and we put 0 here, so 140%। Hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी fractions कहिए या भिन्न कहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होता है। तो फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज, अगर हम लोग किसी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल अप्लाई होता है। बस सिंपली जो हमारा फ्रैक्शंस होता है उसके आगे 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का सिंबल लगाइए। बाकी जो जो नंबर किसी से भी अगर डिविजिबल हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता है या 100 डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे और हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।